शहर हुबली के नौजवान लोग सारे मिलके एक नॉन पॉलिटिकल आदमी साथ में रहो तो मैं हमारा बोल के बहुत जोर देके बातचीत करने के बाद है हमारा भी ख्याल हुआ कि इस मरतबा जो है इलेक्शन में ठहर के इदारे के अंदर हम लोग जब भी मतलब इदारे के ऊपर धक्का पहुँचते तो हमारे लिए हमारे दिल में मतलब धड़कन हो जाते हैं। चाहे वो अंजुमन हॉस्पिटल गिरवी रखने गया तो भी हमने मतलब उसको रोक दिए। हमारा मकसद तो तालीम के इस तालीमी इदारे को जो है फ़र्ग देने के लिए, तालीमी इदारे को सुधारने के लिए। इससे कबल जो है हम लोग वनली साहब के ग्रुप के साथ एक बार ट्रेजर रह चुका हूँ मैं, सदर रह चुका हूँ मैं, बीच में 8-10 साल का गैप हुआ। अब जो है सारे लोगों का एक डिमांड है कि अंजुमन के इदारे में जो है अच्छे से अच्छी तालीम की सहूलत करें। और हमारे टाइम में जो है हमें इनकम के लिए, इदारे की इनकम के लिए मैरिज हॉल बनाएं जिसकी इनकम सालाना अच्छी इनकम काबिल इनकम हो रही है। उसके इनकम में पहले भनाली साहब जब थे हम सब लोग मिलके ये हॉल इसके लिए बनाएं कि तालीम में खर्च के लिए ये इनकम हम यूज़ करें। तो अभी तक हमने ऐसा लग रहा था कि ये जो है चीज़ जो है इनकम इसकी कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है मालूम नहीं हो रहा था। 8-10 साल से हमारा गैप था। अभी सब लोग शहर हुबली के नौजवान लोग सारे मिलके एक नॉन पॉलिटिकल आदमी साथ में रहो तो मैं हमारा बोल के बहुत जोर देके बातचीत करने के बाद है हमारा भी ख्याल हुआ कि इस मरतबा जो है इलेक्शन में ठहर के इलेक्शन के बाद अगर अल्लाह ताला कामयाबी नसीब किया तो इंशाल्लाह तालीमी मैदान में पूरी तरह से कोशिश करेंगे और जो जो भी इसके लिए ये करना है पूरी तरह से जो है ना हमें काम करने का इरादा रख के हम हमारे साथी और वनरले ग्रुप जो थे हमारे वही नाम से हमारे सारे साथी सब मिलके जो है इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर ये कामयाबी मिली तो हम सब लोग मिलके अच्छे से अच्छे, पहले भी हम लोग जो है बारे बहुत सारे बिल्डिंगें बनाए, 50,000 से 1,00,000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन काम किए सो है, इनकम के लिए मैरिज हॉल बनाए सो है और अजवा मॉल बनाए सो है, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स में बनाए सो है। इस मरतबा अगर हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह जो है ना इससे अच्छे काम करने की उम्मीद रख रहे हैं। सब लोग अच्छे नौजवान लोग भी हमारे साथ हैं, सब मिलके अच्छी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चों का जो मामला है वो पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखो ऐसा है, ये जो बच्चों का मामला है इसके लिए जिम्मेदार जो है ऐसा इन्हें उन्हें बोल को कोई बोल नहीं सकते। अचानक एक हादसा पेश आया और बच्चों का जो है, जो आप सब लोग जानते हैं कि हालत कैसे हैं, बच्चों के लिए अलग अलग केस डाल दिए तो सब लोगों के माजी सदूर हाली सदूर सब लोग मिलके जो शहर के अच्छे मुकाबिल ये एतमाद लोग हैं सब मिलके कोशिश की है। बहुत सारे चीज़ों में जो है अब मैं बोलना नहीं चाहता कि बहुत सारे पैसे भी रुपये भी जमाए और अपने तरफ से कोशिश की जो हमारे लीगल और लीगल रिलीफ कमेटी बोल के कमेटी बनाए उसके अंदर सब सदूर भी थे मेंबर भी थे सब मिलके हम काम कर रहे हैं। तो इदारे को और उसे जो है कोई ऐसा ये नहीं है, हमें जो है इदारे में आए भी तो कोशिश करेंगे बच्चों के लिए या इदारे में नहीं आए तो भी बच्चों के लिए हमें कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जल्द से जल्द जो है उनको रिहाई के लिए हमें कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथी भी जो है बहुत सारी कोशिश करके भाग दौड़ करके सुप्रीम कोर्ट गए इसे हाईकोर्ट गए ये सब इनकी कोशिश जारी है। अब हम ही नहीं गए तुम ही नहीं गए ऐसा सवाल नहीं उठता कि एक आदमी के काम के लिए 10 आदमी इधर उधर घूम नहीं सकते, जिसकी ज़रूरत है उतने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं बाकायदा काम कर रहे सो है। इंशाल्लाह आगे भी जो है हमें वो कोशिश करेंगे छोड़ाने के, बच्चों का दर्द जो है हमें मालूम है हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे। सर आपको लेकर काफ़ी कुछ हंगामा है, कई कुछ इल्जाम आप पर लगाए जा रहे हैं, पहले भी लगाए गए थे, उस सब को लेकर आपकी जो फेस वैल्यू है उसको बिगाड़ने की भी कोशिश की, इल्जाम भी लगाए गए, इस सब के बावजूद आप लगे हुए हैं अंजुमन को, क्या मोटिव है इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम गदक्कर साहब जो अभी सदारत के लिए इंशाल्लाह इलेक्शन खड़े हैं उनको बहुत ही नज़दीक से देखा हूँ और सिर्फ अगर इस दफ़ा अगर इलेक्शन जो है हम चाहते हैं कि ऐसे शख्सियत मतलब जो है अंजुमन का भागदौड़ हाथ में ले जो वाकई में जो है
अंजुमन को एक बदलाव लेके आ सकते हैं, एक बुलंदी पर लेके आ सकते हैं। ख्यालात अच्छे हैं, खुद के लिए कुछ मतलब जो है मांगने वाला आदमी नहीं है, कौम के लिए मतलब कि जो है मांग सकता है, चाहे पॉलिटिकल लेवल में हो या कोई भी मतलब जो है एजुकेशनल क्वालिटी लाने के लिए मेहनत कर सकता है, कोर्सेस जो है नया नया लेके आ सकता है। और इंशाल्लाह मतलब उनके दौर में मतलब कि बहुत सारे मतलब कि बिल्डिंग्स इदारे मतलब बन गए, बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो मुझे उम्मीद है। और बहुत ही जो है ट्रूथफुल आदमी है, मैं उनके साथ में काम किया हूँ, कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम किया हूँ। कोई भी चीज़ के लिए सदर जब था या ट्रेजर जब था, कोई चीज़ साइन चेक साइन करने के पहले जब तक समझ में नहीं आता है कि मतलब कि कितना इटंग आया, कितना बालू आया, क्या चीज़ बन रहा है, क्या चीज़ बन रहा है, इतनी दयानतदारी उनके अंदर है। तो ऐसे ही एक शख्सियत इंशाल्लाह अंजुमन में आए और सदारत अगर करे तो इंशाल्लाह ये सारी मतलब जो है तमाशा बंद हो जाता है, इदारा तरक्की पर आ जाता है। आपको मालूम है कि बच्चों के खातिर जब कमेटी बन गया, उस कमेटी के अंदर पूरी हुबली का मतलब कि लोग, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग जब जमा हो गया, तकरीबन अच्छा खासा रकम जब जमा हो गया, तो लोगों को ये था कि किसका हाथ में ये पैसा देना है। तो सारे मतलब पूरी हुबली का गांव का सारे लोग बोले कि एक ही मतलब के आदमी के ऊपर हमको भरोसा है, वो नज़ीर अहमद गदक्कर है, उनके हाथ में पैसा दो। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक रुपये का हम जो है हिसाब दिए पूरी कमेटी को, और बेहतरीन तरीके से जो है उस पैसे की जो है हिसाब किताब रख के जो है काम किए। रहा मतलब मेरे ऊपर इल्ज़ाम तो इंशाल्लाह मतलब पॉलिटिकल है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि काम किया हूँ और काम में ही भरोसा कर सकता हूँ, भरोसा करता हूँ। वर्क का जो है अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है, काम मतलब कि कुछ भी हो, चाहे वो आप लोगों को मालूम है कि सीए नासी में हो, कोविड के दरमियान हो, और अंजुमन मतलब कि जो है एक मतलब हमारा खून पसीने लगा हुआ है। जनाब के साथ हम लोग जो है बहुत मेहनत करके इदारे बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाए हैं, सब काम किए, शादी हॉल बनाए, तो हम नहीं चाहते कि मतलब इदारा नीचे जावे, बल्कि मतलब को ऊपर जाना चाहिए। इदारे के अंदर हम लोग जब भी मतलब इदारे के ऊपर धक्का पहुँचते तो हमारे लिए हमारे दिल में मतलब धड़कन हो जाते है, चाहे वो अंजुमन हॉस्पिटल गिरवी रखने गया तो भी हमने मतलब उसको रोक दिए। बहुत सारे मतलब काम मुझे गलत हो रहा था इदारे के अंदर, तो हमने हमारा मतलब जो है इसलिए दर्द है, हम लोगों को मुतवलियों को सारे लोगों को साथ में लेके वो सारी चीज़ें गलत नहीं हो उसके लिए मतलब कोशिश किया। बच्चों के खातिर मतलब जो है हमें सबके साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके अंदर किसी को भी हम दोष देना चाहते। उसका अंदर मतलब कि ये पेरेंट्स का, बल्कि मतलब कि ये है कि मुझे बाहर रखने का कोशिश किया, लेकिन पेरेंट्स का बहुत बड़ा हंगामा किया पेरेंट्स की, अशरफ अली को लेना चाहिए, तब जाके मैं उसमें लीगल कमेटी के अंदर आ गया। उस लीगल कमेटी का आने से मैं बहुत कुछ मतलब कि एडवोकेट्स को फॉलोअप करना, कोर्ट में जाना आना, ये सब हुआ। बहरहाल मतलब ये सब जो है हम कोई वीडियो बनाने के लिए या किसी को बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मतलब कि जो है गरीब बच्चे जो कुछ मतलब गुनाह नहीं है, काम पर जा रहा था या नहीं तो दुकान में बैठे, ऐसे बच्चों को लेके गए, तो मुझे पर्सनली वो पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात है, माँ बहनों के साथ ताल्लुकात है, बहुत बुरी हाल है उनका। तब जाके मतलब हमें लगा कि इसमें कुछ काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, काम कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द बच्चों को सबके सब बाहर लेके आने के लिए इंशाल्लाह सारे मिलके कोशिश करें तो जल्द से जल्द होता है इंशाल्लाह। देखो मतलब मुझे मतलब जो है एक टीम बनाने के लिए मतलब कोशिश कर रहा हूँ, और बल्कि मतलब टीम जो है एक यूनिफाइड टीम, जैसे धारवाड़ के अंदर जो है एक यूनानिमस टीम बन गया मुसलमान के अंजुमन में, बहुत मतलब खुशी की बात था। हमने भी कोशिश किया इंडस्ट्री साहब से, सारे लोगों से बात करके इसके लिए कोशिश करो करके बोल दिए, लेकिन कुछ जो है लोग मतलब जो है बहरहाल मतलब कि मैं उसका तफसील से बाद में बताऊंगा, कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से ग्रुप मतलब मिनिमाइज कर नहीं पाया। तो इंशाल्लाह लोग जानते हैं, पब्लिक जानते हैं, देखो लोगों को जो है अच्छे लोगों का इंतज़ार है आज, इदारा कौन बचा सकता है और इदारे को बुलंदी पर तरक्की पर कैसे ले जा सकता है। कौम जो है प्रॉपर लीडर्स मतलब कि जो है अब नौजवानों में से लीडर्स पैदा होना है, वो जो जनरेशन ख़त्म हो गया
इस ये पिछले जनरेशन के अंदर जो सुदूर या जो लीडर्स काम किया अल्हम्दुलिल्लाह उनके उनके हिसाब से काम किया, लेकिन लीडरशिप को जो है बेहतर आने के लिए नौजवानों के अंदर आज की जो जनरेशन के अंदर लीडर्स पैदा करना है इंशाल्लाह। इसीलिए मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी जो तैयार हो गया सदर बनने के लिए, तो हमें उम्मीद है कि इस नॉन पॉलिटिकल मैं हो या नज़ीर अहमद साहब हो और दूसरे हमारे साथियों को कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। क्या ये एमएलए बनना, एमएलसी बनना, एमपी बनने कोई एम्बिशंस नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम लोग मतलब इंशाल्लाह हर तरफ से हम लोग इंशाल्लाह गाइडेंस देंगे आगे आगे जो है, चाहे पॉलिटिकली हो या एजुकेशनली हो, एक अलग जो है बुलंदी पे इंशाल्लाह अंजुमन को ले जाने के लिए उम्मीद है। सबका दुआ है और सबका साथ है, तो इंशाल्लाह हम लोग करके दिखाएंगे। इससे पहले काम किया लेकिन अब जो तजुर्बा हमारा है इंशाल्लाह बहुत ही बुलंदी पे ले जाने के वादा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि ये अंजुमन का इलेक्शन का जो जैसा ऐलान हुआ, सब लोग आकर मेरी एक टीम और एक टीम कर बोल कर बहुत सारे फॉर्म लेकर चले गए, लेकिन ये नहीं मालूम कि हुबली के अवाम जो है ये अंजुमन इस्लाम के अंदर जो काम करी उसके लिए बेहतर समझते हैं कि कौन सी टीम काम करी। मरहूम अलहाज वन्नली साहब की टीम जो काम करी ये पूरा शहर जानता, बल्कि नॉर्थ कर्नाटक के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अंजुमन हमारी पहचानी जाती है कि वन्नली नाम से ये टीम है कर बोलकर। ये टीम कर हम लोग आज वन्नली साहब मरहूम नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी शहादत में हमारे एक बड़े ही सीनियर जो बेहतरीन दो बार प्रेसिडेंट बनकर जो हमारे इस हुबली शहर के लिए जो प्रेसिडेंट बने हैं, जो काम करे हमारे अलहाज एनडी गदक्कर साहब, एक ईमानदार दयानतदार बिजनेसमैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक हमारे ताजिर हैं अशरफ अली साहब, उनका तो काम आप बेहतर ही जानते हैं, पूरी हुबली जानती है। आज कोविड के मामला हो, एनआरसी का मामला हो, पूरा आज नॉर्थ कर्नाटक के अंदर अशरफ अली का नाम माना जाता। इसलिए नहीं जाता कि वो बहुत बड़ा रिच पार्टी है करके बोल के, नहीं है, एक गरीब से गरीब के लिए बात करता, गरीब से गरीब के लिए कॉलेज का फीस हो, जो भी मामला हो, वो काम करने के लिए आगे बढ़कर काम करते। इसी के लिए ये जो टीम का जो नाम है, जो मेहनत करती टीम, एक अच्छा एक बुलंदी पर ले जाना चाहती है एक अंजुमन इस्लाम को, जो पहले भी गई सो है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैं आपके जरिए से, आपके मीडिया के जरिए से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ हुबली के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जितने भी होटल हजरात हैं हमारे, वो आप ऐसा नको देखो कि ये यहाँ पर कौन खड़ा है कौन नहीं है, जो कौन सी टीम काम कर सकती है उसको देखो, आज जाकर देखो कैसी कैसी हालतें आज चल रही है हमारे अंजुमन के अंदर, आज कौन सी कॉलेज के अंदर क्या बेहतरी हो रही है क्या नहीं हो रही है आप खूब जानते हैं, आप देख लो। देख कर आज हमें एक अंजुमन इस्लाम मरहूम मोहनली साहब की टीम लेकर आपके सामने आ रहे हैं, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वोट देकर कामयाब करेंगे तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं और एक हमारे जो भी हमारे टीम के जो मेम्बरान हैं और बाद में जितने भी हमारे हुबली के बुजुर्ग हजरात, अगर सैयद फतेह शाह वली दरगाह से लेकर हम लोग सीधा नेहरू कॉलेज जाकर वहाँ पर फॉर्म भरेंगे, आप हुबली के पूरे वोटर हजरात से, और फिर भी हमारे जो चाहने वाले हजरात से आपसे अपील करते हैं कि कल 12 बजे सैयद फतेह शाह दरगाह पास आप पहुँच जाएँ इंशाल्लाह।